दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज मंगलवार की सुबह अचानक से बदल गया। यहां दिन की शुरुआत बेमौसम बारिश के साथ हुई। तेज हवा के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। हालांकि दिल्ली के कुछ इलाकों में सोमवार रात को भी बारिश हुई, जिसकी वजह से जलभराव तक हो गया। वहीं मंगलवार की सुबह दिल्ली के साथ ही इससे सटे नोएडा, बुलंदशहर, सिकंदराबाद और दादरी में भी बारिश दर्ज की गई। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जताया था। बहरहाल राजधानी में दिन भर बादल छाए रह सकते हैं। बुधवार से मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जो अगले 4-5 दिन तक बना रहेगा। हालांकि इस दौरान तापमान में ज्यादा वृद्धि नहीं होने का अनुमान है और ये सिर्फ 2 से 3 डिग्री ही ऊपर जा सकता है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई राज्यों में वायु दबाव बनेगा, जिसके चलते राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बुधवार से मौसम के शुष्क होने का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी भारत के साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में बारिश की संभावना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए जी मीडिया।